रखता ही हूँ मैं गोद में, थोड़ा सा मिला। लेकिन आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने सोचा पता नहीं कि आज की दुनिया कैसे इतनी, इसलिए शायद कैसा कुछ बारक है। मैंने कहा देख लो, छान लो अच्छे से, बैठा के रखा मुझे 24 घंटे। बाद में बोलते कि माफ करो, किसी ने गलत रिपोर्ट दे दिया। सुन रहे हो? लेकिन इतने सारे फिल्म स्टार आएंगे, उस दिन क्या होगा? मेरे पास एक फिल्म स्टार 1 करोड़ मांगता है, कोई 60 लाख मांगता है, कोई 50 लाख मांगता है, कोई 20 लाख मांगता है। मेरा अकाउंट चेक कर लो आप जो देते हो, इतने लोगों को मैं लंगर ही खिला रहा हूँ जब से, मैं अपने घर नहीं लेके जाता। और क्या हुआ अभी कि वो सब के सब, एक नहीं एक फिल्म स्टार को चंगाई मिली, उसने पूरे फिल्म स्टारों में शोर मचा दिया। 8-10 आ रहे हैं। मैंने कहा आप तो बीजेपी वाले हो, मैंने कहा आप तो फलाने कांग्रेस वाले हो, फलाने आम पार्टी के हो, फलाने के वो, आप तो उनके मेंबर हो। वो कहते हैं हमें कोई पार्टी पुर्टी नहीं देखनी, हमने तो कह रहे कि आज ब्लेसिंग लेनी है, सारे फिल्म स्टार आएंगे आपके। समझ रहे हैं कि नहीं? हम किसी पार्टी के साथ नहीं, हमें डर पर नहीं है किसी का। हाँ कभी कह रहा हूँ जेल में ठूस देंगे, ठूस दे, सारे बोलो हालेलुया, हम फिर बाहर आ जाएंगे। परमेश्वर है, शराब को तोड़ते कैंसिल करते। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर है, डरना नहीं है। पवित्र आत्मा कह रहा है विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। ये जिंदगी एक बार मिलती है, दोबारा नहीं मिलेगी। लोग कहते हैं 84 लाख योनि के बाद जन्म होगा, झूठ है वो सब कुछ। पहले आप डड्डू बनोगे, भैंस बनोगे। किसने कहा? डड्डू भैंस के अंदर आत्मा नहीं होता, सिर्फ प्राण होता है। आत्मा का मतलब बुद्धि का आत्मा, परमेश्वर की महिमा करने वाला। आपको वो आत्मा दिया गया आपको जितने दिन यहाँ पर हो। आप अगर आपकी आपने आपकी माँ नहीं चाहती कि आप दोबारा पैदा हो, अगर आप बूढ़े हैं, अगर आप शराब पीते हैं, वो नहीं चाहती आपके पेट में दोबारा पैदा हो। परमेश्वर कैसे चाहता है मैं आपको दोबारा पैदा करूँ अगर आप पाप करते हैं धरती पर? परमेश्वर नहीं करता, सब झूठ है। जो व्यक्ति पाप करता है, 1,24,000 पाप करता है एक दिन के अंदर, कितने भी माला पढ़ लो, कितने भी मंत्र पढ़ लो, कितनी भी आराधना कर लो, कितनी प्रार्थना कर लो, ऐसे नहीं जाने वाले। अगर डंडे ने पाप किया डंडा चढ़ाओ, अगर भैंस ने पाप किया भैंस को चढ़ाओ, इंसान ने पाप किया इंसान को चढ़ाओ। इसलिए यीशु मसीह साक्षात धरती पर आ गया और अपने आप चढ़ गया क्रूस पर। यीशु का लोगों ने कहा मैं चढ़ जाऊंगा, लोग चढ़ा दिए गए, किसी ने पानी में कूद गया, किसी ने आग में बैठ गया, क्योंकि संत लोगों सब संत आए इस धरती के ऊपर मेरी तरह कुर्बानी देने के लिए। सबने कुर्बानी दिया, परमेश्वर उनको आशीष दे। लेकिन उन सब धर्मों में कुर्बानी दी गई, लेकिन एक कुर्बानी ली जाती है। परमेश्वर कहता है जिस बंदे ने पाप ना किया, जो औरत और आदमी से पैदा नहीं हुआ, वो कुर्बानी दे। और ऐसा हो नहीं सकता धरती पर कोई आदमी औरत से पैदा ना हुआ हो, लेकिन यीशु मसीह लाइट से पैदा हुआ, कुंवारी कन्या के गर्भ से पैदा हुआ। इसलिए परमेश्वर ने कहा इसको चुना है, और इसी के पर जो कोई विश्वास करेगा, करें कि लहू बहाएगा, करें कि उसके जो लहू का कतरा गिरा। सुनो, पहली बार परमेश्वर ने क्यों लोगों को पाप में देखने के बाद दंड दिया था कि अब ये लोग मर जाया करेंगे। पहले लोग मरते नहीं थे, अमर रहते थे, 1100 साल जिंदा रहते थे। अब लोग परमेश्वर ने क्रोध में आकर 120 साल उम्र बना दिया, अब 70 भी नहीं जीता आदमी। लेकिन अगर आज आप परमेश्वर का भय मानते हैं, तो आज से आज एक फैसला लेकर जाना है कि परमेश्वर मैं अपने पाप को यहीं दफन करके जा रहा हूँ, खत्म करके जा रहा हूँ। आज मैं नशे की जिंदगी को छोड़कर जा रहा हूँ, आज मैं पाप को खत्म करके जा रहा हूँ। यीशु मसीह ने क्रूस पर कुर्बानी दिया, इसलिए क्योंकि कैन और हाबिल आदम